नमस्ते आप सभी को। मम्मी कर दी नमस्ते। अब सब लोग बड़े बड़े सुपर हीरोज के फैंस होते हैं, जैसे आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, फाल्कन। नहीं, फाल्कन का कोई फैन नहीं है, सुपरमैन, बैटमैन। पर मेरा फेवरेट है क्रिश। क्रिश, क्रिश, बचाओ। डोंट वरी, मैं आ गया हूँ। नाम क्या है तुम्हारा? कंगना। कंगना, अरे क्रिश, किसी और को कोई हेल्प चाहिए? इसके बाद झाड़ू भी लगा देना क्रिश। था फेवरेट पहले, अब क्रिश हीरो शक्तिमान। जैसे ओरिजिनल इंडियन सुपर हीरोज हमें इसीलिए मिले क्योंकि फॉरेन का कॉपी हमसे हो नहीं पाया। विदेशी देख के भारतीय सुपरमैन बनाने की कितनी कोशिश की और भाई सारी फ्लॉप। पहली नाकाम कोशिश थी रिटर्न ऑफ मिस्टर सुपरमैन। इज्जत इनटू टू हो गया। इनके लिए पैसा था हाथ का मैल, क्योंकि जो हीरो मास्क पहनता ही नहीं उसके सर पे रुमाली रोटी डाल दी, नीचे मंकी कैप जिसमें कैची से छेद किए और स्काई डाइविंग वाले गॉगल्स। ये बचाने आया था कि बैंक लूटने, किसी को समझ ही ना आए। असली सुपरमैन की वीकनेस है क्रिप्टोनाइट, पर इसकी कुत्ता हलवो इसमें और मेरे में फर्क क्या है फिर? भाई तू उड़ सकता है, उड़। ये देखो एक्शन सीन, ऐसा सुपरमैन बनाया जिसकी स्कूबीडू से फट जाए। मूवी नंबर दो, एक और हुपरमैन जो इतने शर्मीले कि लाल चड्डी के ऊपर मिनी स्कर्ट पहनते हैं। हाय संस्कार, ये देख भारतीय दादी मंडल ने बहाए 2 लीटर संस्कार के आंसू, क्योंकि बाहर चड्डी पहनना बहुत अश्लील है पर बालकनी में पूरी दुनिया को दिखा के सुखाना। फीलिंग प्राउड इंडियन। इस हुपरमैन की आधी एनर्जी सिर्फ टांग उठाने में चली जाती है। अच्छा, इसीलिए पहना है मिनी स्कर्ट। ये नासा बासा वालों की सारी बातें फेक है, असली स्पेस में पता है क्या हो रहा है? और ऐसा ऐसा धरती पे कुछ नहीं मिलना, चलो वापस। अरे आप तो हुपरमैन हो पर इसे स्पेस में ऑक्सीजन कहाँ से मिल रहा है? पर फाइनली आई वो मूवी जो इतनी अनोखी टट्टी थी कि धर्मेंद्र जी होने के बावजूद इसे कोई नहीं जानता। उनके तो विकिपीडिया से भी सारे सबूत मिटा दिए गए हैं, क्योंकि उनको इसमें एलियन का रोल देके फटा पर्दा पहना दिया था यार, जिसमें से पेट दिखता है। ओए, तुम लोग का ऐसा फैशन सेंस है तो पहले चोर बाजार में उतरना, पमुआ, अडिबास, निको, इससे तो बेहतर ही है। ये प्ले कर रहे सुपरमैन के एलियन पापा जिनका काम है सिर्फ पकाओ भाषण देना। अगर इंसान बनने के लिए दूसरा जन्म मिले तो एक ही बात याद रखें, प्यार, मोहब्बत। मुझे नहीं लगता इसे ये मोटिवेशनल स्पीच समझ आ रही है, फिर इसे कोरोना वायरस में डाल के धरती में भेज देते हैं बिना डायपर के। यार पूरे गैलेक्सी में हफ्ते हफ्ते आया होगा बेचारा। पर धरती पे क्यों भेजा? लेकिन इसे पृथ्वी पर क्यों भेजना चाहते हैं आप? दिली जज्बात और आत्मा की शांति के खजाने हैं उनके पास। दिली जज्बात और आत्मा की शांति के खजाने हैं उनके पास। पहले होता होगा, 2020 में तो इसके पापा ही आधे रास्ते से ले जाते। इस प्लैनेट को तो तू भी नहीं बचा सकता, चल वापस। सुपरमैन को ये दोनों ले जाते हैं जिनका वो पाइप मोड़ देता है, टेम्पो उठा देता है, पर फिर वो यूज करता है इंडियन पेरेंट्स को पटाने की मेन शक्ति, रिश्तेदारों के सामने नाच के दिखाना। बस इससे इसने कर ली भारत में जगह पक्की। ये हर इंडियन सुपरमैन की पैंट क्यों फट जाती है? पर बड़े होके ये माइकल जैक्सन से बराती अंकल डांस पे आ गया। इसका सबसे बड़ा दुश्मन है शक्ति। बेकार शक्ति, ट्रेन से भी स्लो है। ये नहीं, हर की शक्ति। इनके सामने तो मैं भी सेफ नहीं। इनके साथ 10 आइटम नंबर फ्री आते हैं। आधी मूवी तक तो पता ही नहीं चला कि सुपरमैन देख रहा हूँ या जिस्म 3। विलेन के पास है एक बच्चियों का ग्रुप जिसका नाम है सुपर डैड। भाई थोड़ा और दिमाग लगा लेते। लड़कियाँ हाँ
हाँ तुम घूमर घूमर करके फिर मरो आराम से। पिटाई के बाद ऐसे कौन खड़ा होता है? कुछ भी होता रहता है यार। पापा का परा सुपरमैन अपने पापा को ऐसी झप्पी देता है कि वो मर ही जाते हैं। मेरे से कोई झप्पी नहीं मिल रही, निकल यहाँ से। डिप्रेस सुपरमैन फिर और डिप्रेस होने जाता है अपने असली पापा के पास। बेटे इस तरह हिम्मत मत हारो, अहिंसा नफरत के पुजारियों को नेस्तो नाबूद कर दो। क्या? नेस्तो नाबूद कर दो। हाँ, एक हिंदी मूवी के हिंदी सबटाइटल लिखवाने थे। मादर स्वर्ग जैसी धरती जो अब तुम्हारी माँ है, बाप बना दो बेटे। ये माँ को बाप बनाने वाला चैप्टर तो नहीं था यार सिलेबस में। कैन मदर अर्थ बिकम फादर अर्थ, डिड यू मीन? बाप बना दो बेटे। इस भाषण से बिना कुछ सीखे वो फाइनली बन जाता है हवस का पुजारी। क्या मूवी है! सुपर ठरकी बनने भेजा था तुझे। अरे अंकल ये तो मैगजीन में फेमिना पड़ता है यार। आधी मूवी निकल गई, एक्शन कहाँ है? Please note, our flight has been hijacked. Please bear with us. Thank you. Please bear with us. We will all die. Thanks for choosing Pushpaka Aviation. So finally, Superman आके बचाएगा इस hijack. ये क्या है? क्यों है? नीचे तो जा रहा है। इसके लिए एडिटर से पैसे लिए गए हैं, माइनस में हुई है पेमेंट। एक उड़ते प्लेन का वीडियो कहीं भी मिल जाता यार, वो भी चुरा ही लेते जैसे बाकी सीन्स चुराए। सीन चुराया मेरा इतने कदम दूरे, सीन चोर सीन चुराता है। प्लेन सेफली लैंड हो गई, उसके बाद आ रहा है हीरो। अबे रनवे से पार्किंग तक छोड़ने को बचाना नहीं कहते? और रात से दिन कब हुआ? प्लेन उतरी कैसे? वो सब एडिटर ने तुम्हारी इमेजिनेशन पे छोड़ दिया है। मुझे भी नहीं करनी आगे की वीडियो एडिट, तुम इमेजिन कर लो। इनकी खुशी देख रहे हो फ्लॉप पिक्चर में आने की? इस मूवी में जितना लॉजिक ढूंढो उतना दिमाग खराब होता है। गुंडे बाल पे थूक का जेल लगाते हैं और फिर कॉकरोच की तरह उल्टा घूम के मरते हैं। लाल हिट मारा, कॉकरोचों से हफ्तों तक छुटकारा। अब ये है सुपरमैन की गर्लफ्रेंड पावर, बालों की लेंथ हर सीन में बदल देना, क्योंकि हीरोइन के ढाई सीन्स कौन ही नोटिस करने वाला है। के लिए भी लाई हूं। ये क्या, गोभी का फूल? यहां लो। कच्चा खा गई? सब एलियन ही है क्या इस मूवी में? किता जी, कल रात को मैं आपसे मिलने घर आऊंगा। सुपरमैन, बहन आप सुपरमैन से मिल रही हो या अलादीन से? आओ तुम्हें आसमानों की सैर कराऊं। BSNL की तारों से कट के गिर जाने हैं पंख। अरे नहीं नहीं, ये भी मर जाएगी। रोमांस में भी ना सोशल डिस्टेंस ही रखो। सुपरमैन को जॉब चाहिए। इंटरव्यू के लिए आया था एडिटर साहब। हाउ नाइसली यू हैव सेड एडिटर। बस मिल गए जॉब। इनके लिए ये वर्ड नया है ना, क्योंकि इस मूवी का तो कोई था ही नहीं। एडिटर डर, हाउ नाइसली यू हैव सेड डर। क्या तुम किसी सपोर्टर की टर लाए हो, किसी मिनिस्टर की टर लाए हो? अबे टर टर टर, बजट नहीं थी तो मेंढक से डायलॉग्स लिखवा लिए क्या? पूरे मूवी में सुपरमैन सिर्फ गोल गोल उड़ता है। और मुंह में है जहरीली बैड ब्रेथ की शक्ति। ये भाई साहब जाते जाते आज अंटार्कटिका पहुंच गए हैं। और मम्मी ने पाव लेने भेजा तो एक गरीब बच्चों से छीन के ले जाता है। इस मूवी में संस्कार है। मुझे हाथ लगा दो और मुझे सोना बना दो ना। एनर्जेटिक एक्टिंग। विलन जो डीजे मशीन से बम फोड़ता है। इतनी दबाई मचाओ, इतनी दबाई मचाओ। किस देश का बच्चा जवान और बूढ़ा चीख उठे, लेकिन याद रहे
अपना इलाका छोड़कर। हाँ थैंक्स, वरना ये तो अपने ही घर उड़ा देते। एक अननेसेसरी फॉरेन एक्टर। सुपरमैन की बदमाशी है, वो आसमान में घूम रहा है, घूम रहा है। और मेरा पंखा भी घूम रहा है। दुनिया को बचाने का बेस्ट लॉजिक, तुम बस धरती को उल्टा घुमा दो, हर चीज वापस आ जाएगी। और जब एडिट ना हो तो काला स्क्रीन दिखा दो, ताकि ऑडियंस आपको नहीं अपनी आंखों को कोसे। हेलो, है क्या ये? और जो तुम लिखने वाले हो ना, वो ये 1800 BC में आई थी, तब वो पत्थर से रिकॉर्ड किया करते थे, थोड़े रिस्पेक्ट कर। तो भाई ये काला पत्थर और शोले जैसी मूवीज के 10 साल बाद आई थी, और इनसे फ्रेम से माइक नहीं छुप रहा। जब देखना हो सुपरमैन और ये डाउनलोड हो जाए तो गोपी बहू जैसे लैपटॉप धोना ही पड़ता है। So that is it for today guys. अगर आपको भी लॉकडाउन में कुछ अलग ही नशे चाहिए तो ये सुपरमैन मूवीज देख लेना। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करो यार, करो सब्सक्राइब करो, एंड वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। ये आलसी 20 पंच की जगह एक पंच मारेगा और ये उसी को 20 बार चला देंगे। थोड़े एक्स्ट्रा पंच नहीं मार सकते थे? कैसा एक्शन है यार।